किचन, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे और झटपट से सैंडविच बन जाएंगे। जब भी आपका कोई टी टाइम स्नैक बनाने को दिल चाहे तो आप ये सैंडविच बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज को चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। एक स्मॉल साइज़ टमाटो यानी टमाटर को चॉप कर लिया। क्वार्टर कप बंद गोभी, कैबेज, दो तीन से चार ग्रीन चिलीज, सब्ज़ मिर्चें, सॉल्ट टू टेस्ट, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये आपका सालसा सैलड सैंडविचेस के लिए जो है वो रेडी हो गया। अब मैं एक ब्रेड का स्लाइस लेकर उस पर मायनीज लगा लूँगी। अच्छी तरह से आपने मायनीज लगा देनी है इस पर, दो टेबल स्पून या जितनी भी लगाएं इस पर। उसके बाद ये सैलड इसके ऊपर रखेंगे। ज़्यादा पसंद है तो बहुत भर के लगा सकते हैं, वरना जिस तरह से मैंने लगाई है इतनी भी अच्छी लगती है। इसके बाद आपने बॉयल एग के स्लाइसेस जो है वो इस पर रख देने। ऐसे करके और इस पर जो दूसरे वाला ब्रेड का स्लाइस है उस पर भी मायनीज लगा कर आपने इसके ऊपर रख देना है और बस ये आपका सैंडविच जो है वो बेक होने के लिए रेडी है। सैंडविच मेकर में मैंने उसको ऑयलिंग कर लिया यानी ऑयल ब्रश कर दिया ऑयल, और अब उस पर मैं ये सैंडविच रख दूंगी। और जितनी देर में ये इसकी लाइट ऑन होती है यानी हमारे सैंडविच रेडी होते हैं, 2 से 3 मिनट लगेंगे और बस हमारा ये स्नैक रेडी हो जाएगा। गर्मा गर्म मज़ेदार सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए। इसको बस सिंपली आप केचप के साथ सर्व करें। ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ हुए हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनते हैं ये। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लो कैलोरी लो कोलेस्ट्रॉल स्नैक है ये। इसको चाय के साथ इंजॉय करें और रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऊपर जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको आपने क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी की अपडेट आपको मिल सके। मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।